श्री नृसिंह युवा मंच रामलीला क्लब फतेहपुर द्वारा आयोजित रामलीला की छठवीं संध्या में मंच के कलाकारों द्वारा स्त्री व बाली के दृश्य बड़े ही मनोरम ढंग से दर्शाया गया। इस मौके पर नूरपुर महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रीता गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रामलीला में पहुंचने पर कला मंच के सदस्यों ने रीता गुलेरिया का स्वागत किया। इस अवसर पर मंच के कलाकारों ने सुग्रीव व बाली की लड़ाई व अहंकार को बहुत ही खूबसूरत दृश्य से पेश कर जनता का भरपूर मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि रीता गुलेरिया ने मंच के प्रयासों को सराहा व कलाकारों के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री राम के जीवन से हम सभी को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, साथ ही श्री राम के जीवन को अनुसरण करने का आह्वान भी किया। बेटियां हर जगह आगे होनी चाहिए। मैं अपने युवा भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ कि वो नशे से हमेशा दूर रहे, और खास करके वो बाइक पे चलते हैं और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और ज्यादा तेज बाइक राइड ना करें। मंच के कलाकारों को उनके नाट्य रूप से जनता से रूबरू कराया व रामलीला दृश्य से बताया कि देवराज इंद्र का पुत्र और किसी कंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट।